इस पूरी घटना के तह तक जाने के लिए शासन स्तर पर हम लोगों ने कल भी जो व्यवस्था बनाई थी, लेकिन प्रथम दृष्टि हम लोगों का यह था कि पहले राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इस पूरी जो अभी हादसा है, इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में हाथरस, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, जब इस कार्यक्रम में जो सज्जन वहां पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई, तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे ही उनका काफला आया था, तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा, तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे दुखद पहलू यह था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की, तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टिया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना, और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।